थोड़ा थले थले क्योंकि ना खराब ना हो मैंने ते बहुत थले अगर ए पता क्यों इन्ना कह रहे हैं लेकिन मैं चले आवा किधर अबू जी दी काल आई उन्हें तबीयत थोड़ी खराब हैगी तो उन्होंने कहा कि तू पैसे लेके आ ते डॉक्टर दे कोल आ चे थी मैं चल चलना वा तू वाल चल रहा वा इधर बाकी जी इस दरखत की छां थले आके मंजी डाह दिती सुना तबीयत हुई कोई गल अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल तमाम भैन भाइयों उम्मीद करना सा ठीक हो संजीते भी खुश रहो बहादुर हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो वीडियो स्टार्ट करन तो पहले एक छोटी जी रिक्वेस्ट अगर कोई चैनल ते नवा है लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दो नाल बेल आइकन दबा दो ताकि हर आने वीडियो थोड़े आसानी पहुंच सके बाकी चले हैं जी टूअर ते क्योंकि कपड़े वगैरह भी धोने ने तो उस तो अलावा नामना भी है क्योंकि इतने बिजली का बिल भी ज्यादा आता तो पानी कड़ा का निकास नहीं है इसलिए तो चलने क्योंकि बेगम ने कहा कपड़े वगैरह कट्ठे कर ला वेखने हाँ जी तैयार हो गए छेती छेती कर फिर चलने चलो ठीक हो गया बाकी कुछ कपड़े आ पे ने भी लाके जाने ने हल चुले लाके चल ला खा नहीं खा ला नहीं। खा बिचू मैं भी खा ली सा ले इन्हें नहीं खा खा जी स्कूटर ऑलरेडी बाहर ही खड़ा वा ते अम्मी और दे कपड़े ए भी लेके जाने आ ते साडे कपड़े आ पे आ ते ईरान चोकला चल ते चलने आ फिर ते चलने आ जी उते जाके मुलाकात होंदी है हां जी असी टूवल ते पहुंच आए ते हीरा बेटे नु अगो बिठा के आए नहीं तो इडी छत्ती जेड़ा है ना एकदम चारे चारे कपड़े वगैरह धोने ने ते मुजी ने मिल लेने आ जिस कोटा ते हीरा नगो बिठा के लेके आया वहां बेगम कपड़े लेके जा रही है सीधा टूवल ते टूवल चले होया ते मैं क्या कहना वा मैं ना लेना क्योंकि औरता ने ते बाद कपड़े भी धो लेने ते ठहर के बल्कि ना लेना हां ओए ना ले कपड़े धो के जा लेन फिर उनी दे नाल कपड़े धो लेनी फिर ना हां कपड़े वगैरह धो ला ते हीरा नु नवाईए नहीं सर्दी है नाल ठंडा पानी है चले मैं ना नहीं पूछस का ना नहीं नहीं नांदा नहीं नांदा मेरा दिल है कि अंदर काफी गर्मी क्योंकि पंखा वगैरह है नहीं तो बाहर माशाल्लाह धूप तो काफी तेज है लेकिन जिहड़ा मंजा है उत्थे ना दरखत थले पा के ते जट बहने जदों तक औरतां जिहड़ियां ने कपड़े वगैरह नहीं धो लैंदियां सही नहीं मैं की कहना मैं क्या जे मंजा है क्या कितने ना दरखत थले ਪਾਕ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰ ਛਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾ ਲੈ ਨਾਲ ਕਾਇਨ ਦਾ ਪਿੰਗਾ ਵੀ ਅੱਡ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਇਨੀ ਦੇਰ ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਅੰਦਰ ਖੱਤਲੇ ਯੂ ਹੈਲਪ ਮੀ ਚਲੋ ਮੰਜਾ ਹਮ ਕੋ ਚੁਕਾਓ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਰੁਕ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एक हथ मंजा नहीं चुकया जा रहा नहीं वावा ठीक बाकी जी इस दरखत की छां थले आके मंजी डाह दिती हीरा भी इत्थे मैं भी इत्थे हीरा दी मम्मी जे कोई कपड़े दो ला फिर जितने के धोप देनी है क्योंकि बाकी फिर मैं ना पिंगा बनाना फिर होंदी रहेगी हां बाकी माशाल्लाह ना पिंड दा स्वाद यार लगे ओ दुआ के चीज दा दूर ओ पता नहीं क्या चीज दा पता नहीं खैर होवे बाकी माशाल्लाह मौसम काफी प्यारा भी है ते गर्मी भी बहुत है इसलिए मेरा बेटा ते मैं दोनों असी इत्थे छां ते मैं के चल वेट करने हैं जदों तक औरतां नहीं जांदियां तू फिर कपड़े वगैरह धो ला है मैं तो मेरा बेटा बैठे हैं इतने छां ते
फिर इमें गई तेल दुद्ध उतु चुकन तो मेरे लिए गोंगलू पुटन पुट के आते भी खाने क्योंकि ना डेली आलू वगैरह उबाली दिया लेकिन मैं क्या चलो अज कुछ और पट पुट के लाया और शलजम सी वेखने मिलते ने तो लैके आँदी है तो खाने भुख वाह लगी हुई है माशाल्लाह बेटा मैनू ना बाकी ये कॉमेंट्स कर जे मुंडा लगता वा कि कुड़ी वैसे हैगी है कुड़ी हीरा हम गोंगलू वगैरह लेके आ गए लेकिन मैं चलिया वा किधर अबू जी की कॉल आई उन्हें तबीयत थोड़ी खराब हैगी उन्होंने कहा कि पैसे लैके आ तो डॉक्टर के कोल आ चेती मैं चल चलना वा तो हीरन तू पकड़ तो चलने जी तो जाके पता करने खैर अबू जी की कॉल आई एमरजेंसी उन्होंने कहा चेती उन्हें आ पैसे लैके आ चलने जी डॉक्टर को क्या पता नहीं की कहती है मैं तो जाना है तू रो ना रो रो मैं जाना है बाय बाय बाकी चलने जी अल्लाह खैर करे स्कूटर ते कपड़े इतने रख देने ताकि धोना है ना इसलिए चलने जी ते उत्थे जाके सिचुएशन वेख के फिर मुलाकात होंगी जी बाकी जी टूअल से पहुंचे खड़े हैं तो चलने हैं दवाई वगैरह भी कोई ले लिए तो टूअल से पहुंच के फिर मुलाकात होंगी टूअल भी आ गया वा हाँ जी ये सुता जागता है अच्छा तो मैं दवाइया वगैरह लेके आ गया हाँ तो अबू जी उत गए मैं कह रहा कोई फ्रूट वगैरह डॉक्टर ने कहा कि पी लैके खाओ ठंडिया चीजा तो उन्होंने कहा कि अबू जी ना टाइफाइड बुखार हैगा तो अल्लाह पाक एक तो उन्होंने सेहत दे सारे भैन भाई दुआ करो तो उन्होंने कहा ठंडिया ठंडिया चीजा खाओ सब्जियां ठंडिया जेडिया ने हाँ तो रेंडी खाधी ने उन्होंने कहा कि भी ठीक नहीं गर्म होंगी है तो इस करके मैं अबू गए ने उदे दवाइया वगैरह लैके आया तो ये इन्होंने अंदर रख दें ते कपड़े वगैरह धो ला फिर हाँ हीरा का मैं ध्यान रखना चलने जी अबू भी आ गया वा हीरा तो मैं चलने मैं चल पुछने अबू आ गया वा अंदर ही चलने जी अलैकुम ले आंदे ने सुना तबीयत हो कोई गल सीरियस गल अच्छा ज्यादा देर बवाता है भी तकलीफ हो जाती है टाइफाइड ओ लाई खा दिल करो सो जाता चिट्टी खड़ा ते ओ की आंदा है डॉक्टर डॉक्टर आके ठीक हो जासी महीना इंदा इलाज कर ने ना के मैं ता ना किसी और को अच्छे दे कुल चेक करा लिया बा हुन जेड़े दी 40 साल सर्विस होगी उस तुते हुन की करा चलो ठीक है बाकी जिवें तुहानू बेहतर लगे लेकिन उन्हें क्या कि ठंडी चीज का ज्यादा ते पानी का इस्तेमाल ज्यादा पानी बाकी जी अब होना है तो पूछा थोड़े सामने या बाकी अल्लाह पाक अबू जी ने सेहत दे ते जेड़ा है ना खास तौर पर बुखार भी खतरनाक है टाइफाइड तो उस तो अलावा गुर्दियां एक दूजे तो महाराज का तो पता ही नहीं लगता एकदम चंगे मतलब बिल्कुल ठीक है यकदम ही आ गई बाकी अल्लाह पाक सेहत दे तो बेगम मेरी ने क्या कि यार कपड़े में धो रही हैं क्योंकि तो पहले ही दसा कि औरतें काफ़ी ने कपड़े वगैरह धो रहे हैं टूअल से तो फिर उन्होंने ब्लॉग उत्ते बनाना मुनासिब नहीं है लेकिन कपड़े धो लें तो उन्होंने बखाने हैं कुछ कपड़े आ वेखो जेडे सी अम्मी वाले अम्मी तो बेगम मेरे ने मिल के धो लेने तो बाकी कुछ पहन तो बखाने हाँ मेरा सूट एक पे अम्मी भी वो धो रही है जाके बेगम को पूछने क्योंकि भुख वाहवा लगी है तो मैं पूछने कुछ खाना पीना हो हाँ जी दसो आ तुसी इन्ना काम किया कपड़े वगैरह धोते ने खाने वाली की चीज आज मैं दही बल्ले सोच ला फिर तुने काम करना पौना की चीज आ की करन लगी हूं आलू बालन लगी ते दही बल्ले की पंदा है दही बल्ले मसाला दही ते बल्ले ते आलू
ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੀਰਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ फिर आलू तो अगे पिछे उबालो बाकी चीजा मैं लिया दे देना चलो ठीक है तू फिर बना बाकी माशाल्लाह साडी जिहड़ी मक्की है वो भी हो गई है चलने अच बेगम एक ने की कर क्योंकि अगे तो क्योंकि आज ना ब्लॉग बनाने काफ़ी परेशानी एक किस्म की बन रही है क्योंकि ना फैमिलिया ने वो कपड़े वगैरह तोरे पहले तो तीन चार बार दसा है तो इस करके चलने जी आलू वगैरह मेरे ख्याल से पा रही जाके उनके को चलने पुछ के जो चीज़ा लानिया लैके ध्यान ने बेगम मेरी आलू वगैरह लभ रही है लेकिन की होया आलू लगता ही नहीं था किधर थोड़ा थले थले क्योंकि ना खराब ना हो मैंने ते बहुत थले अगर ये पता क्यों इन्ना गहरा है ना ताकि ना गरिया धुप पानी है उस टाइम इन्हें खराब हो जाए ठंडे रहने दे हाँ ठंडे रहने तो खराब नहीं होते गल जाते ना तो गलते नहीं अच्छा। थोड़ा और गहराई चल और खट नजर आए नहीं बहुत थल्ले नहीं आ जा लबे ये वापस हो में करने क्योंकि एक साइड ले शोमा पे गया मिल तो गया नहीं चल जे अच्छे अच्छे ने जे पाने ने पाला बाकी मैं ऐसी की चीज लेना प्याज मिर्च लेनी हरी हरिया मिर्च दो तीन लेंगे नमक इत प्याज ते बाकी प्याज ते खीरा ले लेंगे ठीक हो गया ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਚਲਨੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬੇਗਮ भुख मर जानी पंजाबी भुख खत्म हो जानी हेलो पर जो जो चीजा की आ गई बाकी जेड़े साढ़े दही बल्ले ने वह पता नहीं कदों तैयार होंगे वेट करने दो घंटे बाद क्योंकि वेखो सूर्य इस टाइम बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा वेखो तो जो ये बने उस टाइम ही तुम विखावे क्योंकि दूसरा मोबाइल नहीं है ताकि टाइम तो नहीं वेख सकते मतलब तुम विखा सकते सूरज के हिसाब से नोट कर लिया जो कि टाइम है चेन अज दी तेन ना जो इनाम मंगे महंगा पवेगा दोनों छोटे भाई नान लगे ने ते बेगम मेरे कपड़े धो रही है ते उन्हों कहने के दे आके आलूआं दा ध्यान करे ते जाके मैं भी नहा लैंदा वा क्योंकि गर्मी काफ़ी हैगी ते घरों कपड़े वगैरह चाह के आए से मैं चलो इतने नहा लाऊंगी बेगम मेरी आखिरी सूट धो रही है मेरा बेगम कपड़े वगैरह जो मेरा आखिरी सूट सी पहले सरा बच्चे पे हुए थे क्योंकि पावा खराब हो गया तो धो रही है हाँ तो खास तौर पर मैं तेन दसना है जो आलू हैं तेरे वो आग ही कोई नहीं बलती पी इतने जाके मैं ना लेना आ गया तो मैं तेन आग कपड़े ला के देने भी धो ली बाकी ध्यान करा आग हाँ मैं ना फिर है छोटे भाई नाल लगे ने तो मैं भी ना लेना गया क्योंकि ना जिस समय वेखो धुप जा रही फिर ना थोड़ी सर्दी फील होनी हैगी तो पहले ना लेना तो ना के फिर मिलने हैं हाँ जी जी ना धो के फ्रेश हो गया तो बेगम मेरी अजे भी कपड़े वगैरह धो रही है तो सुबह का रखे हुए उत्ते अजे तक आलू नहीं उबले
जे आलू बलने ने बाकी जेड़ा है प्याज वगैरह सारा कुछ करना फिर दही बल्ले बनने ने। इनमें क्या कि वो तू बने बनाए लेके आ जाने, इन्हें क्या नहीं बना के खावांगे उनका अलग मजा है। अजे तक वेखो उस टाइम तुम विखाया सी तो हूं वेखो अजे मजीद देर काफी लगनी है। एक सूट अजे भी है किन्नी एक देर है बस आ धो लिया फिर बस बाकी तकरीबन सूरज गरूब होने वाला वा ते साडे आलू नहीं उबले अजे दही बल्ले बनने ने इवें ना मजा आया अज इनाम लैन दा नहीं नहीं आप बना के खाने ने ते बाकी मैं कहना कि जिन्नी देर है ना काफी मतलब के ना आलू उबलन ते टाइम लग जाने क्योंकि ने काम वगैरह कर दे मतलब के ना कपड़े वगैरह धोने काफी लेट हो गए तो इसलिए लेट हो गई। बाकी ये तक मेरे ख्याल शाम तक हो जान गया हाँ शाम मैं पता है क्या पता है। बाकी मैं कहना क्या ये आपा ना विदाउट बाद सुकून ना खा ले सेंगे ठीक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग काफी लंबा चौड़ा बन चुका है सही नहीं। हाँ जी जी बाकी असं अगर रहना दही बल्लियां की उम्मीद है फिर तो विलॉग भी काफ़ी लंबा हो जाना तो शामा पै जाने ने इसलिए मैं क्या चलो विलॉग जिन्ना क्या है मतलब कि शॉर्ट ही बनाया जाए क्योंकि लंबा काफ़ी ना मुड़ नहीं ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आधा विलॉग सू अच्छा लगे हुआ लाइक सबसक्राइब लाजमी कर नाल बैल आइकन दबा देता कि हर अपना वीडियो तक आसानी पहुँच सके तो अपना ख्याल रखे जो दुआवें याद रखे जो मिलने दोनों के लिए व्लॉग से अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।